टिकटॉक तो एक टैलेंट हंट है, एक दरिया है। इतने ज़्यादा लोग अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई पोइट्री पढ़ रहा है, किसी भी तरह से कोई भी अपना जो जिस बंदे में टैलेंट है मिमिक्री करने का वो दिखा रहा है। और मुस्तकबिल में यहाँ से जो बड़े बड़े हाउसेस हैं, मीडिया हाउसेस, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो यहाँ से लोगों को पिक करेंगे, यहाँ से लोगों को चूज़ करेंगे। ये एक किस्म का आपका ऑडिशन हो रहा होता है, जो आप वीडियोस बनाते हैं लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। मैंने देखे हैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लोग बनाते हैं, और मैंने फॉलो किया हुआ है लोगों को, और वो उनकी वीडियोस को मैं बाकायदा से देखता हूँ। और जब इन लोगों की वीडियोस में एक दो साल बाद मेच्योरिटी आ जाएगी, तो वो एक बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे हमारे पास टैलेंट जो है वो सामने आ जाएगा। जो लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं, ख़ासकर जो एक्टर्स जिनकी जानिब से इन पे तनकीद हो रहा है, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। पहले तो ये लोग सिर्फ चंद ख़ानदानों में फ़न को इधर उधर घुमाते थे फुटबॉल की तरह, ख़ानदानों से बाहर ना तो गायकी को आने दिया, ख़ानदानों से बाहर ना किसी भी फ़न को आने नहीं दिया गया, और अपने जो फैमिलीज़ थी उनमें ही टैलेंट जो है वो सर्कुलेट होता रहा, उनमें ही ये फ़न सर्कुलेट होता रहा, और वो ही अदाकार बनते रहे, वो ही होस्ट बनते रहे, वो ही सिंगर्स बनते रहे। अब गली गली में हर जगह रहने वाला शख्स जो है वो उसका जो भी टैलेंट है वो सामने लेके आ रहा है। और अगर जो 100% है उसमें तकरीबन 60-50% बहुत अच्छा टैलेंट उभर के सामने जब आएगा, तो इन लोगों की को अपनी दुकानें बंद होने की फिक्र है। और जितनी भी लोग टिकटॉक कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं वो कंटिन्यू रखें, और जो इधर उधर के लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उस पर कान ना धरें। लेकिन एक चीज़ काफ़ी जो मुझे हर्ट करती है, और वो ये है कि वायलेंस की जानिब ना जाएं, जो धमकियों वाले, जो मारकुटाई वाले, जो ऐसे नेगेटिव किरदारों वाले वीडियोस हैं, इसकी जानिब ना जाएं, क्योंकि आप लोगों का टैलेंट जो है वो अभी इमेच्योर है। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं उनका ये काम होता है, और वो जब कोई मनफी किरदार अदा करते हैं तो वो उनकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट नहीं होता, उसको कोई पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट नहीं डालता। लेकिन आप लोग अभी चूंकि प्रोफेशनल नहीं हैं, अभी आप लोगों का नेचुरल टैलेंट है, तो उस नेगेटिव किरदार को, उस नेगेटिव वायलेंस वाले वीडियोस को अगर आप लोग बार बार करते रहेंगे, तो वो आप लोगों की पर्सनालिटी पे डोमिनेंट कर जाएंगे, और रियल लाइफ में आप लोगों को कहीं ऐसा ना बना दे। तो इस चीज़ से बचे रहें, ख़ास तौर पर जो एक दूसरे को धमकियाँ देने, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो वीडियोस हैं, ये जो वायलेंस है, इससे बचें। लेकिन अपने टैलेंट को कंटिन्यू रखें, जो भी है, जिस अंदाज़ में भी आप लोग कर रहे हैं, किसी की परवाह ना कीजिए। ये इनसिक्योर लोग जो है, पहले यूट्यूब के हवाले से भी इस तरह कहते थे, और कोई पता नहीं चलता, शायद टिकटॉक कल को मोनेटाइजेशन शुरू कर दें यूट्यूब की तरह, और आप लोगों का अच्छा कंटेंट हो, तो साथ साथ आप लोगों को अपने फ़न को उभारने के साथ साथ, फ़न का आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन होगी उसके साथ साथ पैसे कमाने का भी मौका मिल जाए। अगर ना भी मिले तो इस फील्ड में यहाँ से लोग देखेंगे, आप लोगों को चूज़ करेंगे, यहाँ से लोग आप लोगों के पीछे जाएंगे, कि बड़े बड़े लोग आप लोगों के पीछे आएंगे कि हमें प्रमोट करो, और वो लोग जो हैं वो आप लोग के मोहताज होंगे। जैसे कि आजकल बॉलीवुड में कोई फिल्म यूट्यूबर्स के बग़ैर जो है वो प्रमोट नहीं होती। यूट्यूबर्स के पास शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, यूट्यूबर्स उनका इंटरव्यू करते हैं, तो फिर उनकी जो फिल्म होती है वो आगे प्रमोट होती है। यही पाकिस्तान में भी आप लोगों ने ड्रामों में, अब फिल्म के बारे में देखा होगा कि यूट्यूबर्स के पास जाके लोग अपने इंटरव्यू देते हैं, ताकि जो क्योंकि टीवी से अब लोग बाहर निकल आए हैं, वो अब मोबाइल की जानब देख रहे हैं, मोबाइल में शॉर्ट ड्यूरेशन की जो इंटरटेनमेंट है उसकी जानब लोग जा रहे हैं। सो कीप कंटिन्यूइंग योर वीडियोज़ मेकिंग, और जो भी आप लोग का टैलेंट है वो एक्सप्लोर करते जाइए, वो दिखाते जाइए। लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि वायलेंस से बचें, ख़ासकर ये मैं मिसाल दूंगा, जैसे कि नियाजी वाला भी जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको लोग धमकियाँ दे रहे हैं, ये जो खान बाबा जो नौटंकियाँ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से बचें। ये वायलेंस जो है आपकी रियल लाइफ में आपको फिर इफ़ेक्ट करेगा, और आप खुदा न खास्ता कहीं ऐसी काम के आदि ना हो जाएं जो कानून के मुनाफी हो, कानून के ख़िलाफ़ हो। शुक्रिया।